So hey guys, welcome back to my channel Aks Ganguly Vlog. I hope you are doing well. हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग. बस मैं अभी उठा हूँ, बहुत लेट हो गया आज. अब मुझे दवाई खानी है. मैंने कल रात को धनिया का पानी भिगो के रखा था, मुझे वो पीना है और फिर उसके बाद देखते हैं आगे क्या करने का होगा. मेरा आज का ब्रेकफास्ट विच इज़ ब्रेड टोस्ट, मुझे ना ये बहुत पसंद है. मैं क्या करता हूँ ना, इसमें बटर लगा के तवे पे सेक लेता हूँ. बहुत कुरकुरे बनते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं. और कुछ कुछ लोग ना इसके ऊपर हल्का सा चीनी भी स्प्रिंकल कर लेते हैं. अगर आप वो भी कर लोगे ना तो भी बहुत अच्छा लगेगा, ट्राई करके देखना, मुझे तो बहुत पसंद है. और उसके साथ चाय, क्योंकि यही एक चीज़ है जो मुझे सारा दिन एनर्जेटिक रखता है. चाय इज़ समथिंग जो मुझे दिन में दो टाइम तो चाहिए ही चाहिए. आप चाहे कुछ भी खिला दो मुझे, पर मुझे ये चाहिए ही चाहिए. और देखो मैं दिखा भी रहा हूँ अपने एक्शन से कि ये बेस्ट चीज़ है. सुबह उठ के चाय पियो, टोस्ट खाओ, और इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए. बाकी सब तो चलता रहेगा यार दिन भर, बट सुबह की जो चीज़ें हैं ना ये बहुत ज़रूरी है. तो मेरे लिए ब्रेकफास्ट में अगर चाय और टोस्ट मिल गया तो भैया मज़ेदार हो गया पूरा दिन. सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल. आई नो आप लोगों को एक चीज़ तो नोटिस हो ही गया होगा कि पहले जो चैनल का नाम था वो पेटू बॉन्ग से था, बट पता नहीं मैंने वो क्यों रखा था. क्योंकि जब मैंने ना ये यूट्यूब चैनल सोचा था बनाने के लिए, तब मैंने वो नाम रखा था. बट मुझे लगा ये नाम अब सही नहीं है, क्योंकि अब जो है व्लॉग्स नॉर्मल अब डेली के हिसाब से ही शूट होंगे और डेली के हिसाब से अपलोड होंगे. तो मैंने सोचा क्यों ना जो मेरा नेम है हर प्लेटफॉर्म पे उसी को रखा जाए. तो मैंने अक्स गांगुली व्लॉग कर दिया, क्योंकि AKS गांगुली से ही मेरे सारे के सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, तो उसी से मैंने ये नाम रख दिया है. तो आज क्या करना है, एज सच तो कुछ नहीं है. मैंने सुबह को डेली का जो नॉर्मल रूटीन है, मैंने कल भी दिखाया था कि दवाई पीनी है और फिर धनिया का पानी है जो वो लेना है, तो मैंने वो ऑलरेडी हो चुका है वो सब चीज़ें. मैंने शायद उसके क्लिप नहीं लिए है, पर इट्स ओके. तो मैं आज सोच रहा था कि बहुत लोगों ने मुझे बोला है कि कुकिंग अच्छा करता है, तो कुकिंग का कुछ दिखा. तो मैंने कल रात को ही काले चने भिगो के रख दिए थे, सोचा आज उसकी सब्जी बनाते हैं और वो कैसे बनता है वो दिखाते हैं. तो आज का जो थोड़ा सा व्लॉग होगा उसी को लेके होगा, फिर उसके बाद जैसे जैसे दिन आगे जाएगा उसको दिखाते रहेंगे. तो से ट्यून. चलो फिर गाइस, हम अपना जो है काले चने की रेसिपी स्टार्ट करते हैं. मैंने जो ये वाइट वाला बोल है ना, इसके हिसाब से 2.5 बोल है जो चने हैं, मैंने वो भी भिगो के रखे थे. हींग ले लिया है मैंने, 2 से 2.5 प्याज काटे हुए बारीक, टमाटर काटे हुए हैं मैंने, मिर्ची लिया है, अदरक लहसुन लिया है, इधर अदरक लहसुन का पेस्ट भी है और अखा अदरक लहसुन भी डाल रहे हैं हम लोग. और ये हमारे जो रेगुलर मसाले होते हैं, इसके अलावा ऐसा सच कुछ नहीं है. और मैंने तेज पत्ता और लाल मिर्च भी लिया है इसके साथ, और नमक जो है वो तो लगेगा. तो हम ले लेंगे एक सुंदर सी कुकर, मेरे घर पे सबसे बेस्ट कुकर यही है, क्योंकि ये रेड कलर का है, अच्छा दिखता भी है. तो अब रेसिपी स्टार्ट करते हैं. मैंने कुकर में चने डाल दिए हैं, उस पर हींग डाल दिया है मैंने, तेज पत्ता डाल दिया है, लाल मिर्च डाल दी है, हम प्याज भी डाल देंगे, मतलब जितनी भी चीज़ें थी ना हमारे, सारी अदरक हो गया, लहसुन हो गया, मिर्ची हो गया, प्याज हो गया, टमाटर हो गया, हम ये सब का सब ना इसी कुकर में एक साथ डाल देंगे. और विदाउट कुकर का जो है गैस ऑन किए हम सब कुछ इसी में डाल देंगे. आप देखते जाओ ये कैसे बनता है, एक नया तरीका है, इंटरेस्टिंग तरीका और बहुत मज़ेदार है. और सच बता रहा हूँ बहुत ईजी है, कोई तामझाम नहीं है कि हिलाते रहना है, पकाते रहना है, ऐसा कुछ नहीं है. अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल दिया हमने, जो जो हमने ले रखा था ना अब आई बारी मसालों की. तो मैं मसाले नहीं बता सकता कि टेबल स्पून लेना है या टी स्पून लेना है, मुझे नहीं आता वो सब चीज़ें, टू बी वेरी फ्रैंक. ये सब अंदाजे से है. हल्दी लेंगे, नमक लेंगे, लाल मिर्च लेंगे, हम कश्मीरी मिर्च भी लेंगे वो बाद में डालेंगे, और गर्म मसाला बस हमने इतना ही लिया है. और शायद मैंने जीरा पाउडर भी बाद में डाला था, वो शायद दिखाना भूल गया हूँ मैं, बट हाँ इसके अलावा और कोई मसाले नहीं लिए हमने, हम सिर्फ इतना ही लेंगे. और उसी में थोड़ा सा जो है हम अपना मस्टर्ड ऑयल डाल देंगे, कि हम बंगालियों का कहाँ खाना होगा बिना सरसों के तेल के अलावा. उसके बाद हम हाथ से इसको अच्छे से मिला लेंगे. मेरे मुंह में बोलते हुए फिर से पानी आ रहा है, मैं बता नहीं सकता दोस्तों. ये हमने अच्छे से हाथ से ना इसको अच्छे से एकदम से मिक्स कर लेंगे, जिसको बोलते हैं मसल लेंगे. अच्छे से मसलने के बाद हम इसी में थोड़ा सा पानी भी ऐड कर देंगे, इतना पानी लेंगे हल्का सा ही कि जितने भी चने का लेयर है ये भीग जाए, मतलब उसमें वो सोख हो जाए. ऐसा नहीं कि इतना उंगली घुसा के देखना या ऐसे करना या वैसे करना, ऐसा कुछ भी नहीं करना, फालतू की बातें होती है. बस इतना सा रखना है कि ये जो है ये सोख हो जाए उसमें. हाँ अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें बहुत ज़्यादा ग्रेवी बनानी है,
फिर तो भैया उंगली के हिसाब से, दो उंगली का या तीन उंगली का ऐसे हिसाब से आप उसको भिगो के रख दो। बट ऐसा कुछ नहीं करना, फालतू की बातें वो सब, कोई ग्रेवी नहीं बनानी इसकी, सूखा सूखा बनाओ, बहुत बढ़िया बनेगा। उसके बाद गैस से बिठा दो, गैस चालू कर दो। हाँ, मीडियम फ्लेम पे रखना है इसको 7 से 8 सीटी के लिए। उसके बाद देखना क्या मज़ा आएगा। फिर आती है बारी दोस्तों पराठे बनाने की। ये मैंने एक ही पराठा बेला था, मैंने सच बताऊँ तो, अच्छा सच भी नहीं झूठ ही बोल रहा हूँ, मैंने कोई पराठे नहीं बेले, सब दिखाने के लिए है व्लॉग में। मुझे रोटी बनाना नहीं आता है, रोटी जो है मेरा फ्लैट पर मनीष ही बनाता है, तो बस रिकॉर्डिंग के लिए मैंने बोला कि मुझे थोड़ा सा दिखाने दे। उसके बाद वही कर रहा है, मैं बस रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो हम लोगों ने घी से पराठे बनाए थे, ये अच्छे से घी लगा लगा के इसको अच्छे से एकदम सेट कर देंगे। और हाँ, थोड़ा पकाएंगे इसको अच्छे से, नहीं तो अगर पराठे कच्चे रह जाए, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है, बिल्कुल कुरकुरे वाले पराठे पसंद है। तो इसलिए अच्छे से घी लगा के इसको इस तरह करके आस्ते पास पलट के अच्छे से एकदम बढ़िया से कुरकुरे कर लेंगे। तो मैं भी बाहर निकला था, घर पे ना बिल्कुल भी प्याज नहीं है, धनिया भी नहीं है, मिर्ची भी नहीं है। तो मैं सोच रहा अभी जाता हूँ लेके जाता हूँ, इसी बारे थोड़ा नीचे भी आ जाना हो जाएगा, तो बस उसी लिए बाहर निकला था। अभी मैं दिखाता हूँ आपको हम कहाँ से लेते हैं। हमारे सोसाइटी के बाहर ही काफ़ी छोटे छोटे वेंडर्स बैठते हैं। यूजुअली हम वेनसडे मार्केट से सारी शॉपिंग करते हैं, जो कल है, जो मैं आपको दिखाऊंगा कल की हमारे यहाँ पे कैसे मार्केट लगती है। हम सारी ग्रोसरीज तो नहीं बोल सकते, बट हाँ सारी सब्जी की मार्केट और जो छोटा मोटा थोड़ा बहुत सामान होता है घर का, हम सब कुछ वहीं से ले लेते हैं। तो मैं दिखाता हूँ आपको कहाँ से लेते हैं, कल मैं आपको पूरी वेनसडे मार्केट दिखाऊंगा जो बहुत ही मज़ेदार लगती है हमारे यहाँ। दस की मिर्च और 5 का धनिया भी डालना। आई नो थोड़ा थोड़ा वॉइस का इशू आ रहा है, आई डोंट नो व्हाई, मेरे को शायद माइक खरीदना पड़ेगा, क्योंकि एक तो मेरा जब से गला ख़राब हुआ था अभी कुछ टाइम पहले, उसके बाद से गले की बैंड बजी पड़ी है, तब से मेरी आवाज़ ही अजीब हो गई है, हमेशा ऐसा लगता है कि गला ख़राब हो रखा है। तो मैं बोल रहा था कि घर पे प्याज मिर्ची और धनिया बिल्कुल भी नहीं था, सो मैं वही लेने गया था अपने नीचे से। अभी वो लेके आया हूँ, ऊपर जाऊँगा, फिर हमारी जो सब्जी हमने बनाई थी काले चने की वो एकदम रेडी है, उस पर जस्ट धनिया लगाना और हो जाएगा। और मैं जब दिखाया कि रोटी बना रहा हूँ, तो हाँ 2 पराठे मैंने बनाए, फिर मैं नीचे आ गया, तो मेरा जो फ्लैटमेट है मनीष वो बाकी के पराठे बना रहा है, आगे जाके देखते हैं। मुझको ना ऐसा लगता है कि मुझे माइक ले लेना चाहिए, क्योंकि मैं घर से बाहर जा रहा हूँ ना, तो वॉइस का बहुत इशू आ रहा है। मैंने को थोड़ा सा रिकॉर्ड किया था नीचे, उसके बाद जब मैंने देखा तो उसमें वॉइस बहुत लो है, तो आई गेस उसके लिए एक माइक या फिर कुछ तो हेडफोन का जुगाड़ करना पड़ेगा जिससे वॉइस सही से आ जाए। तो अभी मैं बस पहुंच गया हूँ 5th फ्लोर, और ये अपने घर की तरफ जाते हुए मेरा फ्लैट नंबर तो नहीं बताऊंगा मैं, कहाँ रहते हैं धीरे धीरे आगे जाके शायद बता दूँ, बट अभी तो नहीं। फिलहाल घर की तरफ जाते हुए हमारा वो आगे इधर वाला घर, ये वाला हमारा घर है। ये हमारे छोले यहाँ पे ऑलमोस्ट रेडी है, बस अभी जो नीचे से धनिया लेके आए वो डाल देंगे। उधर पराठे बना रहा है मनीष, इधर हमारा धनिया डल जाएगा और हो जाएगा ख़त्म। थोड़ा सा उबाल, हल्का सा इसको ना गर्म करके ही डालेंगे, क्योंकि मुझे वो कच्चा धनिया नहीं पसंद, तो थोड़ा सा वो जब मेल्ट हो जाता है मुझे वो अच्छा लगता है। सो ये यहाँ हमारे काले चने बन के रेडी है, बस अब इसको हम ट्रांसफ़र कर लेंगे एक सुंदर से बोल में। तो ये रे गाइस हमारे छोले एकदम रेडी है बनके, और ये बहुत अच्छे बने। आप लोग ट्राई करना, ट्राई करके बताना आपको कैसा लगता है। हमें तो बहुत पसंद है, उसके साथ मैंने रोटी बनाई थी वो है जो मैंने नहीं मनीष ने बनाया, और हम इसके साथ मुरमुरे भी ले लेते हैं। जब रोटी के साथ तो अच्छा लगता ही है, उसके बाद जो रस्सा बच जाता है ना उसको मुरमुरे के साथ खा के देखना, कभी हम बंगाली में उसको मूढ़ी बोलते हैं, आई डोंट नो आप लोग क्या बोलते हो, पर इसके साथ खा के देखना बहुत अच्छा लगता है। तो ये हमारा आज का ब्रेकफास्ट और लंच का दोनों का मिक्स होकर ब्रंच हो गया है।
हे गाइस, ऐसे कुछ मैं ज़्यादा कुछ तो आज व्लॉग नहीं कर पाया हूँ। बस यही था कि काले चने की रेसिपी बनाई थी, वही व्लॉग किया है, तो उसी को आप लोग देखना और ट्राई करना बनाने का। बहुत अच्छा तरीका है बनाने का, बहुत इजी रेसिपी है और बेस्ट वे है टू मेक इट। अब हम शायद थोड़ा बाहर जाएंगे, थोड़ा घूम फिर के आते हैं, उसके बाद देखते क्या करना है। सो उसके बाद जैसे ही दिन ढला, हम नीचे आ गए। हम लोगों ने अपनी सोसाइटी का, मैंने 3 या 4 चक्कर लगाए थे, तो वही एक वॉक जैसा कुछ हो गया, क्योंकि आज जब जिम गए तो जिम में बहुत लोग थे और बहुत भीड़ थी। सोसाइटी का जिम है ना, तो उसमें बहुत भीड़ थी। गाइज, आप लोग मुझे बताना कि आप लोगों ने काले चने की सब्जी बनाई है नहीं, और अगर बनाई तो कैसी बनी है, क्योंकि बहुत इजी रेसिपी और सच में बहुत अच्छा बनता है। एक बार ट्राई ज़रूर करना। और इसी के साथ मैं आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करता हूँ। आई होप आपको ये अच्छा लगा हो। स्टार्टिंग है तो थोड़ा टाइम लगेगा और अच्छा कुछ करने में, बट हाँ, मैं सबके सजेशंस ले रहा हूँ, जो भी मुझे जो भी जैसा बोल रहा है मैं ट्राई कर रहा हूँ वही सब करने का। कल वेनसडे है तो होपफुली कल मार्केट जाएंगे हम लोग, और मैं आपको फिर मार्केट का व्लॉग भी दिखाऊंगा कि हमारे यहाँ पे वेनसडे मार्केट कैसे लगती है। और इसी के साथ इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग अक्स कमली व्लॉग्स। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। आई नीड ऑल ऑफ यू टू कंट्रीब्यूट इन माई ड्रीम विच इज़ आई एम परसुइंग राइट नाउ, क्योंकि सोशल मीडिया इज़ वन ऑफ द थिंग्स विच आई वॉन्टेड फ्रॉम वेरी लॉन्ग। 13K फॉलोअर्स इंस्टाग्राम में होने के बाद भी आई डोंट नो वाई मेरा अकाउंट मोनेटाइज नहीं हो पा रहा है, ना ही मुझे ब्लूटूथ मिल रहा है। आई एम ट्राइंग टू डू इट, पर एक टैक्स वाला चीज़ है जो इसमें मैं फिल नहीं कर पा रहा, और मैं बहुत ट्राई कर रहा हूँ उसको करने का, बट स्टिल नहीं हो पा रहा है। चलो कोई नहीं, मैं उसको फिगर आउट तो करके ही रहूँगा, ऐसे नहीं तो कैसे। बट हाँ, यूट्यूब भी था एक, पर एक झिझक थी जो नहीं ओवरकम कर पा रहा था, वो आज पूरी हो चुकी है झिझक। और बहुत इस पर बहुत दोजन है, वो दो जन का बहुत बड़ा हाथ है। एक है मेरी बेस्ट फ्रेंड नीरजा और एक है मेरा फ्रेंड मनीष। इन दोनों ने मेरी जान खा रखी थी बहुत टाइम से कि ये करना है करना है करना है, फिर मैंने सोचा कर ही लेते हैं। तो अब आप लोगों को सपोर्ट करना है। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। टेक केयर।